नासा के वैज्ञानिकों के सबसे बड़ी खोज। नासा ने खोजी एलियंस की दुनिया। नासा के वैज्ञानिकों ने की 65 नए ग्रहों की खोज। अंतरिक्ष का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, क्या सिर्फ धरती पर ही जीवन है, या अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर भी धरती जैसा ही जीवन है, या फिर क्या एलियन सच में होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात खोज करते रहते हैं और कई बार सफलता भी हासिल करते हैं। अब तक हम सिर्फ ये जानते थे कि सौरमंडल में सिर्फ 9 ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को ये पता चला कि सौरमंडल के बाहर भी कई ग्रह हैं। पिछले 30 सालों से अब तक नासा ने 5000 से ज्यादा बाहरी ग्रह खोज निकाले हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस खगोलीय सीमा से बाहर जाकर नए ग्रहों की खोज की है और पुष्टि की है कि अंतरिक्ष की गहराई में 5000 से अधिक ग्रह मौजूद हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है। नासा के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियन की दुनिया है। वैज्ञानिकों का ये दावा कहां तक सच है, क्या एलियन सच में होते हैं या फिर ये हमारी सिर्फ कल्पना है, कितना सच है इन दावों में, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे कि वैज्ञानिक आगे क्या करने वाले हैं। नासा का दावा अंतरिक्ष में एलियन की है दुनिया। सौरमंडल के बाहर है 5000 से अधिक खगोलीय पिंड। खोजे गए एक्सोप्लैनेट में सुपर अर्थ जैसे ग्रह भी शामिल। नासा ने अपनी खोज को नाम दिया टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नासा के वैज्ञानिक वैसे आए दिन नए नई खोज करते रहते हैं। इनकी खोजों से हमें अंतरिक्ष के कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती ही रहती है। वहीं हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसी खोज की है जिसने सभी को चौंका दिया है और नासा के वैज्ञानिकों की ये एक नया मील का पत्थर स्थापित करने में सक्षम बताई जा रही है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने 65 नए ग्रहों को खोज की है। इसके साथ ही नासा ने सौरमंडल से बाहर तारों के चक्कर लगाते हुए कुल 5000 से अधिक खगोलीय पिंडों की मौजूदगी की पुष्टि की है। नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव ने 65 नए ग्रहों की खोज की जिनके लिए दावा किया जा रहा है कि इन ग्रहों पर पानी, सूक्ष्म जीव, गैसें या फिर संभवतः जीवन मौजूद हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS की मदद से ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियन की दुनिया के बारे में पता लगाया है। इन सभी को TESS की मदद से ढूंढा गया है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। नासा ने बताया कि साल 2019 में करीब 4000 एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 तक पहुंच चुकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन ग्रहों के बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। इसमें हर एक एक्सोप्लैनेट अपने आप में एक दुनिया है। एक्सोप्लैनेट आर्काइव साइंस के मुखिया जेसी क्रिस्टियनसन ने बताया, ये काफी उत्साहित करने वाला है और हम इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। नासा इससे पहले भी 90 के दशक में एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुका है। नासा ने कहा कि ये संग्रह एक्सोप्लैनेट खोजों को रिकॉर्ड करता है जो पीयर रिव्यू किए गए वैज्ञानिक पत्रों में दिखाई देते हैं और जिनकी पुष्टि कई डिटेक्शन विधियों या विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करके की गई है। खोजे गए ग्रहों में प्रत्येक एक नई दुनिया है, एक नया ग्रह है। अब तक खोजे गए 5000 एक्सोप्लैनेट की संरचना और विशेषज्ञों की बात करें तो उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। इनमें कई पृथ्वी जैसे छोटे चट्टानी हैं, तो कुछ बृहस्पति से कई गुना बड़े गैसीय ग्रह हैं। क्रिस्टियनसन ने बताया कि पिछले 3 दशकों में एक साथ 2 तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह की खोज की गई है। इसके साथ ही मृत तारों के ढहे हुए अवशेषों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की भी खोज की गई है। ये 5000 सिर्फ एक संख्या नहीं है। क्रिस्टियनसन का कहना है कि हर ग्रह को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अब उनके बारे में कई जानकारियां हासिल करेंगे। खगोलविदों का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे सैकड़ों अरबों ग्रह हैं और वो सिर्फ एक आकाशगंगा है, जबकि ब्रह्मांड में ऐसी हजारों आकाशगंगाएं हैं। इन एक्सोप्लैनेट्स की खोज केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की है। नासा ने कहा कि हर ग्रह अपने आप में एक नई दुनिया है, एक नया ग्रह है। खोजे गए 5000 एक्सोप्लैनेट संरचना और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी के हैं। इनमें अपने तारों के बेहद करीब से परिक्रमा करते बेहद गर्म ग्रह भी शामिल है। इसमें सुपर अर्थ जैसे ग्रह भी हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े और चट्टानी हैं, और मिनी नेपच्यून्स भी हैं जो हमारे सौरमंडल के नेपच्यून से भी छोटे हैं। एक्सोप्लैनेट में 30% गैस गैलेट्स हैं, 31% सुपर अर्थ और 35% नेपच्यून जैसे ग्रह हैं। केवल 4% पृथ्वी या मंगल जैसे चट्टानी ग्रह हैं। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट एलेक्जेंडर वोल्सजैन ने कहा कि शुरुआत में सिर्फ
तीन ग्रहों की खोज ने नए दरवाजे खोल दिए हैं। 30 साल पहले सौर मंडल के बाहर पहली बार कोई ग्रह मिला था। बोस जैन का कहना है कि अगर आप किसी न्यूट्रॉन स्टार के आसपास कोई ग्रह खोज सकते हैं तो आप हर जगह ग्रहों की खोज कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। अलेक्जेंडर ने कहा कि साल 2018 में लॉन्च किए गए द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने तो काफी ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजने में मदद की। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है, ये भी भविष्य में अंतरिक्ष में मौजूद सुदूर ग्रहों और तारों को खोजेगा। इसके साथ ही उन पर जीवन संभव है या नहीं इसका भी पता लगाएगा। वहीं साल 2027 में द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साल 2029 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियल मिशन लॉन्च करेगी। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलों का अध्ययन करेगा। नासा की नई टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, केस कहा जा रहा है। ये एक्सोप्लैनेट के बादलों और धुंधले वातावरण की स्टडी करेगा, यानी कुल मिलाकर बाहरी ग्रहों की खोज के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ऐसे ग्रहों की खोज की जा सके जहां पर जीवन संभव हो, वहां पर जाकर कॉलोनी बनाने की शुरुआत हो सके। लेकिन हर ग्रह इस तरह का नहीं होता। साल 1995 में जो पहला ग्रह पुख्ता तौर पर मिला था वो सूरज की तरह चमकने वाला तारा था, एक गर्म बृहस्पति ग्रह की तरह गैस जॉइंट। ये 4 दिन में अपने तार का एक चक्कर लगाता है, यानी पूरा साल 4 दिन में खत्म। इसलिए ये जरूरी है कि एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की खोज जारी रहे। जहां भी जीवन की संभावना हो उसकी सही तरीके से स्टडी करने के बाद वहां पर यान भेजा जाए। अगर इन सबसे पुख्ता सबूत मिलते हैं तो फिर वहां पर लैंडर और रोवर भेजकर स्टडी की जाए। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर इंसानों को उस ग्रह पर भेजने की तैयारी की जाएगी। नासा के वैज्ञानिकों की खोज के बाद कई सवाल हमारे मन में उठते हैं कि क्या सच में दूसरी दुनिया है या सच में एलियन होते हैं? क्या धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव? अगर है तो कैसे? या फिर धरती पर ही मानव प्रजाति है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी खोज वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ग्रह हैं और कितने ग्रहों पर जीवन है। ये कैसा रहस्य है जिसकी खोज हमारे वैज्ञानिक दिन रात करते रहते हैं। हालांकि कई बार दूसरे ग्रहों पर जीवन होने के संकेत भी मिलते हैं। दुनिया भर के खगोलविदों का मानना है कि निकट भविष्य में इस बात की प्रबल संभावना है कि हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में जीवन जैसा कुछ मिल सकता है, क्योंकि जीवन की खोज के लिए उम्मीदवार ग्रहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अभी तक इन ग्रहों का गूढ़ अध्ययन नहीं हो पाया है। जेम्स वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप और विज्ञान की बढ़ती क्षमता इस खोज में सबसे अहम किरदार निभा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज को साबित करने के लिए अभी काफी प्रयास बाकी है। फिलहाल बड़े पैमाने पर अध्ययन की जरूरत है जिससे इन ग्रहों के बारीक से बारीक पहलू और विशेषताओं को समझा जा सके। तब हम जान सकेंगे कि अंतरिक्ष के दूसरे ग्रह पर भी जीवन है और वो संभव है। अब वैज्ञानिकों के आगे की खोज बताएगी कि क्या सच में दूसरी दुनिया है या नहीं, साथ ही एलियन होते हैं या नहीं।